हेलो दोस्तों, वेलकम टू जनरल तैयारी। इस वीडियो में बात करेंगे पंचायती राज के बारे में। तो पंचायती राज के बारे में हम बात करेंगे उसमें, तो इसमें जो पंचायती राज का जो संविधान में शामिल किया गया था, तो वो 73वां संविधान संशोधन में किया गया था 1992 में, यानी संविधानिक दर्जा दिया गया था पंचायती राज को। तो पंचायती राज का भारत के 73वें संविधान के संशोधन की बात करेंगे, तो 1992 में पंचायती राज संस्था का संवैधानिक मान्यता दी गई थी। बलवंत राय मेहता और लक्ष्मी मल सिंघवी के विचारों को मिलाकर 73वें संविधान संशोधन में संशोधित किया गया था और पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला था। उस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे वो पीवी नरसिंह राव थे। कौन थे? पीवी नरसिंह राव थे तत्कालीन प्रधानमंत्री। उस समय जो राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा। कौन थे? शंकर दयाल शर्मा। पारित किया गया था 20 अप्रैल 1993 को। जो 73वां संविधान संशोधन है वो 20 अप्रैल 1993 को पारित किया गया था राष्ट्रपति के कलम से, शंकर दयाल शर्मा जो राष्ट्रपति थे। लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। तो लागू जब हुआ था 24 अप्रैल 1993 को, तो उसी के अनुसार हम आज लोग पंचायती राज दिवस मनाते हैं 24 अप्रैल को। सर्वप्रथम लागू करने वाला जो राज्य था वो मध्य प्रदेश था, और सबसे पहले यहाँ चुनाव हुआ था 1994 में। जो पंचायत राज का चुनाव हुआ था सबसे पहले भारत में कहीं भी, तो 1994 में हुआ था मध्य प्रदेश में। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कब से? 2010 से मनाया जाता है। अभी हमने आपको बताया था कि 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था संविधान संशोधन का ये अधिनियम, जिसे पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला था। तो ये 24 अप्रैल से पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, जो 2010 से शुरू हुआ था। अभी तक जो कुछ स्टेट हैं जहाँ पे लागू नहीं है, जैसे नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, यहाँ पे इसलिए लागू नहीं है कि उसके कुछ कारण हैं। उस कुछ कारण को हम आगे वाले स्लाइड में हम बात करेंगे। नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में, यहाँ पे अभी नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में पंचायती राज नहीं है। अगला है संविधान संशोधन का जो भाग रखा गया हमारे संविधान में, 9वां भाग में रखा गया, और जो अनुच्छेद दिया गया 243 से 243 ओ तक। कहाँ से? 243 से 243 ओ तक। इसको 11वां अनुसूची में रखा गया, पंचायती राज का जो 11वां अनुसूची है इसे 11वां अनुसूची में रखा गया। इसमें विषयों की संख्या जो है 29 है। कितनी है? विषयों की संख्या 29 है, 29। और 73वें संविधान संशोधन में कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान दिए गए थे। ये प्रावधान इस तरह हैं, त्रिस्तरीय पंचायत का गठन किया गया, इसका जो कार्यकाल होगा वो 5 वर्षों का होगा, और जो इसमें उम्मीदवार खड़े होंगे उनकी उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। कम से कम 21 वर्ष, क्वेश्चन में ऐसे ही ऑप्शन दिया रहेगा 21 वर्ष, कम से कम 21 वर्ष, तो कम से कम 21 वर्ष ही टिक करेंगे। महिलाओं के लिए आरक्षित कम से कम 1/3 स्थान दिया गया, यानी पूरे का 1/3 भाग दिया जाना महिलाओं के लिए अनिवार्य कर दिया गया, यानी कम से कम 1/3 होना चाहिए, 1/3 से उसका भाग कम नहीं होना चाहिए। राज्य, ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर, जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थानों का गठन, किंतु उस राज्य में जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है। तो नागालैंड, मिजोरम, ये सब में 20 लाख की से जनसंख्या नहीं है, 20 लाख से कम है, इसके लिए यहाँ पे पंचायती राज की व्यवस्था नहीं की गई है। तो किस तीन तरह का स्तर था? तो एक था राज्य, ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तरीय स्तर। ये तीन स्तर थे त्रिस्तरीय पंचायत गठन में। 5 साल पूरा होने के पहले अगर पंचायत भंग हो करती है तो 6 महीने के भीतर चुनाव होना चाहिए। अगर अगर इसमें अगर चुनाव होने की अवधि से पहले 6 महीना के अंदर अगर भंग हो जाता है तो कोई उपचुनाव नहीं होंगे, वो जो फाइनल चुनाव होगा वही चुनाव होगा। यानी उसमें चुनाव, अगर जो फाइनल चुनाव है उसे 3 महीना या 6 महीना से कम की अवधि हो तो चुनाव नहीं होगा। पंचायती राज मंत्रालय का जो गठन किया गया 27 मई 2004 को, कब किया गया? पंचायती राज मंत्रालय गठन 27 मई 2004 को किया गया। उस समय जो प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। 2003 में हुआ था तो पंचायती राज मंत्रालय नहीं था। 2004 में मनमोहन सिंह के सरकार में पंचायती राज मंत्रालय का गठन हुआ, जो 27 मई 2004 को हुआ। अब कुछ मुख्य अनुच्छेद है उसके बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। तो आइए, 243 में पंचायत की परिभाषा है कि क्या है। 243 में पंचायत की परिभाषा है,
243A में ग्राम सभा के बारे में है, 243A में ग्राम सभा के बारे में है, 243B पंचायतों के गठन के बारे में है, इसके बारे में है पंचायतों के गठन के बारे में, 243B, 243C पंचायतों की संरचना, पंचायतों की संरचना कैसी होनी चाहिए वो अनुच्छेद 243C में दिया गया है। जो सीटों की आरक्षण की बात होगी, तो सीटों की जब आरक्षण की बात होगी तो उसमें वो अनुच्छेद को 243D में दिया गया है, सीटों के आरक्षण के बारे में 243D में दिया गया है। और पंचायतों का जो कार्यकाल 5 वर्ष होगा वह अनुच्छेद 243E में दिया गया है, किसमें, 243 के ई में दिया गया है। अब पंचायतों की क्या शक्ति है, क्या दायित्व तो है, उसके बारे में 243G में दिया गया है, अनुच्छेद 243G में दिया गया है। अगला है वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन, जो वित्तीय स्थिति की, जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति है उसकी समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन किया गया है, किसके अनुसार, अनुच्छेद 243I के अनुसार। अब इसमें पूछा जाता है कि वित्त आयोग, जब पंचायत राज के वित्त आयोग का गठन कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट कि वित्त, पंचायती राज वित्त आयोग का गठन कौन करता है, तो राज्यपाल करता है, हर 5 साल में इसे नए रूप से किया जाता है। अगला है 243 के, इसमें पंचायतों के चुनाव के बारे में दिया गया है, प्रक्रिया है 243K में पंचायतों के चुनाव के बारे में दिया गया है। 243O, इसमें दिया गया है न्यायालयों के हस्तक्षेप को चुनाव मामले से दूर रखा गया, जो भी चुनाव उसमें होंगे उसमें न्यायालय कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, तो ये 243O में दिया गया है। तो ये थे पंचायती राज के प्रमुख अनुच्छेद जो 243 से 243O तक है। वर्तमान में बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार मध्य प्रदेश नीचे है, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश उत्तर में है, दोनों साथ में स्टेट है, दोनों सीमा साझा करता है, वहां पे महिलाओं को 50% का आरक्षण प्राप्त है। तो कौन स्टेट, 4 ही स्टेट है, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। इसे याद रखेंगे, बिहार और मध्य प्रदेश से शुरू करेंगे, बिहार और मध्य प्रदेश दोनों बगल में है, और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश दोनों बगल में है। तो इस तरह से हम याद करेंगे, यहाँ पे महिलाओं को 50% का आरक्षण प्राप्त है। अब आ जाते हैं पंचायती राज, बिहार के पंचायती राज के बारे में, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें बिहार SSC से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनके उसके सिलेबस में ये है, तो इसको अच्छी तरह से विस्तार से हम पढ़ेंगे। तो चाहिए शुरू करते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि 7,000 जनसंख्या पर एक पंचायत बनेगा, कितना पे, 7,000 जनसंख्या पर एक पंचायत बनेगा। बिहार में जो ब्लॉकों की संख्या है 534 है, कितनी है, 534 है, और जिला परिषद अभी जो निर्वाचित हैं उनकी संख्या है 1161, कितनी है, 1161। और जिला परिषद का जो चुनाव होता है उसकी जनसंख्या 50,000 होनी चाहिए, तब वहां पे एक जिला परिषद होगा, यानी 50,000 जनसंख्या पे एक जिला परिषद, 50,000 जनसंख्या पे एक जिला परिषद होगा। जो भी मुखियों की संख्या है पूरे बिहार में 8,387, आप इसको ऐसे याद करेंगे, 83 87 83 87। पंचायत पंचायत समिति की भी उतनी संख्या जितनी मुखिया की होती है, क्योंकि एक पंचायत में एक मुखिया एक पंचायत समिति होते हैं, तो जितना मुखिया होगा उतना ही पंचायत समिति होगा, तो पंचायत समिति भी 83 87 है। और इसमें जो वार्ड होता है, ये वार्ड होता है जो 500 जनसंख्या पर एक वार्ड होता है, अगर एक गांव में 1,000 की जनसंख्या है तो उस पर 2 वार्ड होंगे। तो यहाँ पे बिहार में कुल वार्डों की संख्या, पूरे बिहार में कुल वार्डों की संख्या है 1,14,667, 1,14,667। पंच भी उतने होते हैं, जितने वार्ड होते हैं उतने ही पंच होते हैं, दोनों की दोनों 500 के जनसंख्या पे ही एक पंच और एक वार्ड होता है। तो जो पंच की भी संख्या है पूरे बिहार में 1,14,667। इस तरह से बिहार पंचायत में जो कुल पद हैं वो हैं 2,59,260। बिहार पंचायत में कुल पद कितने हैं, 2,59,260। बिहार सरकार ने बिहार पंचायत राज अधिनियम 1993 में लागू किया था, यानी 92 में जो वो लागू हुआ था, हमारा संविधान संशोधन हुआ था 73 में, उसके बाद 93 में जब लागू हुआ गया था, तो लागू हुआ था तो उस समय बिहार पंचायत राज अधिनियम 1993 लागू हुआ था, उस समय जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे बिहार के लालू प्रसाद यादव थे। अब हम पढ़ लेते हैं एक बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006, ये काफी इंपोर्टेंट है।
इसकी बारे में विस्तार से इसलिए है कि फिर से पुनः स्थापित किया गया था, फिर से एक नया करके उसको पूरी तरह से फिर से अच्छे नए तरह से लागू किया गया था। तो ये बिहार पंचायत राज अधिनियम है जो काफी महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 जो प्रतिस्थापित किया गया था वो 2006 में किया गया था। प्रतिस्थापित, प्रतिस्थापित मतलब दोबारा से स्थापित करना, एक नए तरीके से स्थापित करना, तो वो हुआ था 2006 में। उस समय जो मुख्यमंत्री थे बिहार के तत्कालीन नीतीश कुमार थे, अभी भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं। उसी बिहार पंचायत अधिनियम 2006 में ही महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया गया था और अत्यंत पिछड़ा को 20% का आरक्षण दिया गया था। इसमें दो इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं अधिनियम 2006 में कि महिलाओं को 50% आरक्षण इसी से मिला था और अत्यंत पिछड़ा को 20% का आरक्षण मिला था इस अधिनियम के तहत। बिहार में त्रिस्तरीय प्रणाली की बात करेंगे तो त्रिस्तरीय प्रणाली जो पंचायतों में होती है वो किस तरह की होती है, तो हम इस चार्ट के माध्यम से इसको समझेंगे। तो मंत्री या पंचायती राज, जिला परिषद, जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत, ये तीन तरह के त्रिस्तरीय हैं। तो जो ग्राम पंचायत का जो हेड होता है वो मुखिया होता है और पंचायत समिति का जो होता है वो प्रमुख होता है, जो अप्रत्यक्ष चुनाव के तहत होता है। तो अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है? तो प्रत्यक्ष चुनाव होता है जिसमें जनता सीधे भागीदारी लेती है, वोट देती है, वो अप्रत्यक्ष चुनाव। और अप्रत्यक्ष चुनाव वो हुआ इसमें जनता भाग नहीं लेती है, चुने हुए ही सदस्य है इसमें भाग लेते हैं। तो जो प्रमुख का चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। जिला परिषद, जिला परिषद में अध्यक्ष, जो अध्यक्ष होता है उसका भी जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। तो ग्राम पंचायत में होता है जो मुखिया होता है जो प्रत्यक्ष तरह से चुनाव होता है, उसके बाद उप मुखिया अप्रत्यक्ष तरह से चुनाव होता है और इसमें सदस्य होते हैं। उप प्रमुख का भी अप्रत्यक्ष तरीके से होता है और उसमें सदस्य फिर होते हैं नीचे। इसमें भी जिला परिषद में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य होते हैं। हम आगे प्रशासनिक जो संरचना है एक पंचायती राज की उसके बारे में हम लोग देखेंगे इस चार्ट में। तो इसमें प्रधान सचिव या पंचायती राज विभाग, जिसमें जिला परिषद होता है, पंचायत समिति होता है, ग्राम पंचायत होता है, जो इसमें प्रशासनिक विभाग होता है पंचायत सचिव होता है और पंचायत समिति का होता है जो प्रभी प होता है यानी प्रखंड से रिलेटेड होता है, प्रखंड विकास प्राधिकारी होता है जो पंचायत समिति से होता है, और जिला परिषद में होता है ओबीया यानी ओबीया होता है एक पद होता है जिसके तहत ये आते हैं। यानी जिला, ये हुआ प्रशासनिक तरीका, यानी प्रशासनिक संरचना हुआ, ऊपर वाला जो चार्ट हुआ वो हुआ पंचायती राज का संरचना और नीचे वाला हुआ प्रशासनिक संरचना। अगला हम ग्राम सभा के बारे में बात करेंगे। ग्राम सभा से काफी क्वेश्चन आते हैं हर एग्जाम में। तो ग्राम सभा जो अनुच्छेद है वो 243A में है। ग्राम सभा का जो क्षेत्र है को राजस्व ग्राम कहते हैं। कौन सा ग्राम कहते हैं? ग्राम सभा का क्षेत्र एक राजस्व ग्राम कहलाता है। जो ग्राम सभा का जो प्रक्षेत्र होता है उसको राजस्व ग्राम का होता है, यानी वो राजस्व ग्राम कहलाता है। राजस्व ग्राम में रहने वाले जितने भी मतदाता हैं, जितने भी मतदाता हैं, ग्राम सभा के बैठक में भाग लेने पर ही पंचायत राज का सफल होना निर्भर होता है। इसका मतलब ये है कि एक पंचायत में राजस्व ग्राम का हुआ मतलब एक पंचायत, उसमें जितने भी मतदाता हैं अगर उसमें सभी भागीदारी लेते हैं तो एक सफल माना जाता है इस पंचायती राज का। इसी पे निर्भर करता है, अगर सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इसको सफल एक माना जाता है। ग्राम सभा की बैठक हर 3 महीने के अंतराल में होता है, हर 3 महीने के अंतराल में होता है, 4 बार होता है। तो ये डेट भूल ना जाए इसके लिए सरकार ने एक प्रमुख डेट को रखा है जिसे याद रह सके। जैसे पहला बैठक है वो 26 जनवरी को होता है, जो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है वो पहला बैठक होता है। दूसरा बैठक होता है 1 मई को, उस दिन मजदूर दिवस मनाया जाता है। और जो तीसरा बैठक होता है वो 15 अगस्त को होता है, हमारे स्वतंत्रता दिवस के दिन। और चौथा बैठक होता है 2 अक्टूबर को, गांधी जयंती के दिन। इस तरह इसलिए किया गया है कि ताकि कोई लोग भूल न जाए, सभी को याद रहे कि इस दिन बैठक होता है। तो 4 बैठक होते हैं पूरे साल में, 26 जनवरी को पहला बैठक, 1 मई को दूसरा बैठक, 15 अगस्त को तीसरा बैठक और 2 अक्टूबर को चौथा बैठक। तो इसी तरह से ये डेट को दिया गया है ताकि लोग भूले नहीं, उसे याद रहे और ग्राम सभाएं लगती रहे। अब बैठक की जो सूचना दी जाती है डुगडुगी बजा कर दी जाती है। अगर डुगडुगी नहीं बजा कर दी जाती है तो सूचना पट पट नोटिस चिपका दिया जाता है
और बैठक जो बुलाने की जिम्मेदारी होती है मुखिया की होती है। अगर मुखिया बैठक नहीं बुलाता है तो BDO बुलाता है, विकास प्रखंड अधिकारी, प्रखंड विकास अधिकारी जो है वो ब्लॉक का बुलाता है, BDO जिसको बोलते हैं, ये बुलाता है अगर मुखिया नहीं बुलाए तो। अगला है ग्राम सभा की बैठक के सदस्यों की उपस्थिति के बारे में। तो कम से कम कुल सदस्यों की जितनी है संख्या उससे का 20वां भाग उपस्थित होना चाहिए। अगर 20वां भाग उपस्थित नहीं होता है तो ये बैठक नहीं होगी, बैठक स्थगित कर दी जाएगी। अगला है ग्राम सभा बैठक के कोरम ना पूरा होने पे। कोरम वही हुआ कि जितने सदस्य में कम से कम 20वां भाग तक होना चाहिए, अगर वो नहीं पूरा होता है तो 1 घंटा तक इंतजार किया जाएगा बैठक में, अगर नहीं आते हैं तो फिर स्थगित कर दिया जाएगा। अगर 1 घंटा के अंदर आ जाते हैं तो सभा होगी, अगर 1 घंटा के अंदर नहीं आते हैं उतने सदस्य, 20वां भाग भी नहीं आ पाते हैं तो क्या होगा, उसको स्थगित कर दिया जाएगा। अगला है ग्राम सभा की बैठक की सूचना आपको दी जाती है पहले, जो डुडुगी बजा कर दी जाती है या सूचना पट पर चिपका कर दी जाती है, तो उसमें स्थान कहाँ पे होगा ये मेंशन करना पड़ता है, यानी स्थान कहाँ पे है वो बताना पड़ता है, किस तिथि को होगा ये बताना पड़ता है, समय बताना पड़ता है इतना बजे से होगा, और जो बैठक का मेन विषय है उसके बारे में बताना होता है। ये उसमें आप सूचना पट में या डुगडुगी बजाकर आप लोगों को, मतदाताओं को या जो ग्राम सभा के मतदाता हैं उसको देना पड़ता है। उसमें 1/3 सदस्यों के अनुरोध पर, अगर वहाँ के सदस्य चाहते हैं कि कोई बैठक हो उस डेट में, नहीं कभी और बैठक हो, जल्दी बैठक बुलाना हो, तो 1/3 सदस्य अनुरोध पर 15 दिनों के अंदर बैठक बुलाया जा सकता है, ये उसमें प्रावधान है। तो ये था बिहार पंचायती राज के बारे में और भारत के पंचायती राज के बारे में। तो इसके बारे में हमने डिटेल से बात की है, आप इसको एक बार नहीं 2 बार देखेंगे। तो बिहार SSC और BPSC बिहार दरोगा के बारे में आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा, तो इसको एक बार नहीं 2 बार दे सकते हैं, इसका नोट बना लें तो अच्छा होगा, ऐसे हम इसमें PDF आपका। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले कुछ विषयों से लेकर, धन्यवाद।